अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूँ चाइना में। यहाँ पे ना मैं जिम का सामान खरीदने आया हूँ। सो आई एम जस्ट गोना शो यू, एक आध मैं आपको टूर करवाऊंगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जिम का जो बिजनेस है एक्सेट्रा। सो ये शॉर्ट्स या उसमें इस्तेमाल होंगे या अभी जिस तरह मैं कह रहा हूँ वो आप देखोगे, ठीक है। सो कैमरे को चेंज करते हैं। और ये एक फैक्ट्री है, उनका शोरूम है। ये बंदे हैं जो यहाँ पे आए थे, ये किसी का नाम लिखा हुआ हमारे अपने बंदे का, काज साहब का लिखा हुआ। तो ये इनका शोरूम है। मैंने अपने लिए ना यहाँ से 4 बाइक्स लिए हैं, वो काफ़ी सारी लिए हैं, वो 2 रैक्स लिए पूरे बड़े हुए, वो जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं वो तकरीबन 3 लिए हैं, नीचे पैड्स 20 लिए हैं। यहाँ से इस लाइन से 2 मशीनें उठाई हैं, इससे कुछ नहीं उठाया, इससे 1 मशीन उठाई है। ये बेंचें हमने काफ़ी सारी उठाई हैं, तकरीबन 10-12 ये बेंचेस उठाई हैं, वो किस्म के रैक बता रहा था। ये नीचे करना पड़ेगा कैमरा। ये 2 लिए ऑलमोस्ट रुक सके, असली पानी में आप रोइंग कर रहे हो, इनमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये बाइक्स लिए कौन से वाले, ये वाले नहीं, वो अगले वाले काले में लिए। तो ये इनका शोरूम है, अब जब आओगे देखोगे, ये सबसे बेहतरीन शोरूम है। ये आधा टायर एक लिया हमने, ये उल्टा फेंकते हो कमर के लिए सही है। एंड इस सेक्शन से काफ़ी कुछ लिया हमने। एंड यहाँ से ये ओबियसली ट्रेडमिल्स हैं, शायद हम यहाँ से लें शायद हम ना लें, 6, 2, 4, 10 हमको टोटल आइटम्स चाहिए यहाँ से। तो भाई ये ले लो, ठीक है, वो मैं हूँ। ये मेरा गिम्बल है, इससे आप, ये तकरीबन 25,000 का आता है, इससे कैमरा बिल्कुल स्टेडी रहता है, ठीक है। जी मिलियनेयरो, आपके भाई का भी ना, ये काज साहब का नाम है ना लिखा हुआ, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, AR रहमान काजी कश्मीर, ठीक है। और ये मैंने अपना लिख दिया, ठीक है, बल्ले बल्ले पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया के बारे भाईजान बहुत हैं, आई एम श्योर यहाँ पे कुछ हैं, अरबी बहुत हैं। ये दूसरी फैक्ट्रीज में इंडिया का था, हर एक फैक्ट्री का अपना अपना एक शॉप है। एक जो है ना उस, यानी यूरोप हम बिल्कुल नहीं बेचते। एक में हम गए थे जी, हमारे यूके में कोई कस्टमर्स नहीं है, तो फिर भी यूके से सारा सामान जा रहा है। तो लेकिन उनके इंडिया के बहुत ज़्यादा थे, किसी के थे यार जी अफ्रीकन कंट्रीज़ के, युगांडा थे, हमारे सारे तकरीबन वहाँ पर आते हैं। ये देखो जिम्बाब्वे लिखा हुआ है, ये मलेशिया लिखा हुआ है, हर बंदे ने, हर एक फैक्ट्री ने एक एक कोना पकड़ा हुआ है दुनिया का, एंड वहाँ पर वो बेच रहे हैं। तो अच्छा, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, शाम पड़ चुकी है, हमारा ऑर्डर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, एंड 2 फैक्ट्रियाँ जाना है। हर जगह से एक चीज़ नहीं मिलेगी, और इनको लड़ाना पड़ता है। जो इन्होंने ओरिजिनली हमें कोटेशंस दी थी ना, वो समझ लीजिए हाँ 50% तक हम आ चुके हैं, सीरियसली। कुछ तो हम यार 30% पे आ चुके हैं कीमतें, एंड दैट कंपेयर टू यूके से जहाँ से मैंने पहले ली थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मुझे रोना आता है। बट सीखते हैं ना, मैं सीखता हूँ, गलतियाँ कर रहा हूँ, फिर आपको सिखा रहा हूँ। जो ओरिजिनली मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उस पर 5 आराम से जिमें खुल जाती हैं, आराम से। सो वो नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको पूरी जिंदगी गरीबी रहना है, आपको मिलियनेयर नहीं बनना, आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने, और आपको धक्के खाने का शौक है, और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो, मेरी सड़कें ठीक कर दो, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो ब्राय मेहरबानी मेरे चैनल पे मत सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है, जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं, जिनमें कोई आग है, कोई भूख है टू चेंज देयर लाइव्स। क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि मैंने 10 लाख मिलियनेयर्स बनाने हैं, डॉलर वाले, वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जगाना, उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, उनको उसी घिसी पिटी रटे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे लेके आना, और उनको समझाना और उनको तसल्ली देनी कि फजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों रास्ते जिन पे तुम चल सकते हो और जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेस मैनों ने चेंज करने हैं। इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है। अगर हमारे पास अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज हैं, अच्छी हमारे पास मॉल्स हैं, अच्छी हमारे पास बेकरीज हैं, अच्छी हत्ता कि हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी ने किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे, तब जाके उसने हमें बेहतर सहूलत दी। और अगर हमारा इन पॉलिटिशियंस पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो,
हमारे एक सी पैक पे देखो पूरी कौम किस तरह हो रही है, वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेसमैन है उनको लालच है यार पैसे उन्होंने मजीद कमाने हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट 10 लाख मिनी सी पैक्स। और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास 10 लाख सी पैक्स होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे। सो साथ दो मेरा इस सफर पे। अगर आप अपने हालात से तंग आए हो, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपने कोई फजूल डिग्री पकड़ी हुई है, या आपने बिजनेस सीखना है, या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती, मैं हूं ना, I'll be your number one fan. मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा, I'll push you. And together, अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हो और मिलियनर बन जाते हो तो देखो नॉट ओनली अगर आपने हालात अपने ठीक करोगे, आपको कोई यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन हैव द बेस्ट फूड, यू कैन हैव द बेस्ट रिहायश मकान वगैरह, द बेस्ट मेडिकल, आपको इस मुल्क में या बाहर जाना वट एवर यू वॉन्ट टू हैव, कोई फिक्र कुछ नहीं होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कब्र में साथ लेके तो जाने नहीं है, यू विल स्पेंड इट ऑन द पीपल अराउंड यू। That's it. Subscribe करना है, करो ना करो, that's your choice. मैंने तकरीर कर दी, अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।